एक तरफ देश में नोटबंदी के फैसले को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अब इंडियन बैंक एसोसिएशन ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल के इस्तीफे की मांग की है। बैंक कर्मचारियों को लगता है कि पटेल नोटबंदी के बाद से हो रही समस्याओं को हल करने में सफल नहीं हुए हैं। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट विश्वास उत्तगी का कहना है कि पीएम मोदी ने जो फैसला किया है उसे सही तरीके से निभाने की जिम्मेदारी बैंकों की है, लेकिन बैंकों में भी पर्याप्त मात्रा में कैश नहीं पहुंचाया जा रहा है, जिस वजह से बैंक कर्मचारियों के साथ साथ लोगों को भी काफी दिक्कत हो रही है। उत्तगी का कहना है कि नोटबंदी के फैसले के बाद से ही बैंक कर्मी काफी तनाव में काम कर रहे हैं। बैंक एसोसिएशन से पहले ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन ने भी उर्जित पटेल के फैसले को तंग और तबाह करने वाला बताया था। साथ ही उन्होंने नैतिक आधार पर उर्जित पटेल के इस्तीफे की मांग की थी। तो नोटबंदी के फैसले ने आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को अपने ही अधिकारियों के निशाने पर ला दिया है। बैंककर्मी पटेल की नीतियों से काफी खफा है और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।